बिना वजह किसी का भी अनादर करना कानूनन जुर्म है और संविधान द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना किसी उचित कारण से जनता की अवहेलना अथवा अपमान नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारतीय रेल से एक शर्मसार कर देने वाला मामला आगे आया है, जहां एक महिला टीसी ने यात्री की कॉलर पकड़कर इन मानदंडों को ही चुनौती दी है। दरअसल दो यात्री मंगलवार को दोपहर में नागपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां मुख्य गेट पर एक महिला टीसी यात्रियों की टिकट चेक कर रही थी। उसी दौरान महिला टीसी ने दोनों ही यात्रियों से टिकट मांगी तो एक यात्री ने बताया कि उनके पास टिकट नहीं है, वो टिकट लेने के लिए भीतर आए हैं क्योंकि उन्हें कहीं जाना है। ये सुनते ही वह भड़क गई। उसने यात्री को जुर्माना देने के लिए कहा। तो यात्री ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। उसके बाद टीसी ने यात्री का बैग खींचते हुए उसकी कॉलर पकड़कर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। उसके बाद यात्री पर जुर्माना भी लगाया गया। इस पूरे मामले पर वक्तव्य करते हुए सीनियर डीसीएम मध्य रेलवे नागपुर मंडल आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से टिकट मांगने चाहिए, लेकिन अभद्र व्यवहार नहीं किया जा सकता। ऐसा यदि किसी ने किया तो शिकायत के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। इस पूरे मामले के कारण यात्रियों ने तीव्र असंतोष व्यक्त किया है। हम उधर जा रहे थे नहीं क्या, बैग खींचा मेरी कॉलर पकड़ा, बोला टिकट दिखा, बोला टिकट नहीं है हमारे पास, हम क्योंकि हम ट्रेन से आए हैं जा रहे हैं, तो 1100 रुपये दिए, बोले टिकट लेके जाओ, प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।